तरफ देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ये ऐसे ही आके बैठते हैं और फसल को तबाह कर जाते हैं, ये देखें ये ऐसे ही झुंड बना के आते हैं और जिधर बैठते हैं वहाँ से कंदम को खा जाते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ आपको अपने चैनल फयाजगुल में। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमने गंदम काश्त की थी, तो गंदम ऐसे ही बस काश्त नहीं की जाती के गंदम काश्त की और बस 6 के 6 महीने इसकी रखवाली करनी पड़ती है। सिर्फ गंदम ही नहीं, जो भी फसल होता है उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, वक्त पे पानी और खाद भी दी जाती है, ऐसे तो नहीं होता। स्पेशली गंदम की ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है, तो इस वजह से हम शाम के टाइम गंदम की देखभाल करते हैं कि परिंदे ना आए, इसको ख़राब ना करें। तो मैं आ चुका हूँ खेत में, ये सूरज भी थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, शाम होने वाली है, शाम तो हो गई है, सूरज ढलने वाला है। और गंदम देखें माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी तैयार हुई है, माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है गंदम हमारी। इस तरफ थोड़ी थोड़ी हरियाली हो गई है, जब ये बड़ी होगी तो माशाल्लाह हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। तो अभी मैं स्पेशली परिंदों को भगाने आया हूँ, ये परिंदे जहाँ जहाँ बैठते हैं झुंड बना के, तो वहाँ से गंदम नहीं होती, जब बीज ही नहीं होगा तो गंदम कहाँ से होगी। इस वजह से जितने भी यहाँ पे किसान हैं वो अपने फसल की हिफाजत करते हैं। और गंदम देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई है। स्पेशली जो कवे होते हैं वो ज़्यादा चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका पेट भर भी जाता है इन दानों से, तो वो फिर ये जो सले निकलते हैं जिसे हम गोंच बोलते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते, निकालते फेंकते जाते हैं उन गोंचों को जिसे हम सले बोलते हैं, उसको भी निकाल के फेंकते जाते हैं। तो इस वजह से गंदम की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे उस तरफ अंकल एक परिंदा लेके आए हैं जिसे हम तीतर बोलते हैं, तो चलकर तीतर देखते हैं। ये जी तीतर है, ये इस अंकल का है, और ये जो हमने जगह छोड़ी थी सब्जियों के लिए, इसमें अभी तक इतनी ज़्यादा सूखी नहीं है ये, तो इसमें सब्जियां अभी तक हमने काश्त नहीं की। और जो मैंने लहसुन लगाई थी वो देखें माशाल्लाह सारी की सारी निकल आई है, उस तरफ से भी इस तरफ से भी सारी की सारी लहसुन निकल आई हुई है, छोटे छोटे गोंच इसमें से भी निकल आए हैं। और गंदम देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी प्यारी तैयार हुई है गंदम हमारी। इस तरफ हमारा खेत है जिसमें हमने गंदम काश्त की थी, और ये हमारे खेत के साथ ही ये गन्ने का खेत है, ये गन्ने का खेत हमारा नहीं है, और इस तरफ गन्ने का फसल काश्त हो रहा है। इस तरफ काश्त हो चुका है और उस तरफ अभी तक कर रहे हैं, वो वहाँ पे अभी तक हो रहा है, इस तरफ करके गए हैं काश्त, ये देखें इस तरफ काश्त हो चुका है। ये बड़े बड़े गन्ने इनमें डाले जाते हैं, ये जो खेरियाँ होती हैं इनमें बड़े बड़े गन्ने डाले जाते हैं, और फिर इनके ऊपर हल्की हल्की बेलों की मदद से मिट्टी दी जाती है, मिट्टी के बाद पानी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगते हैं, ये बड़े बड़े गन्ने हैं। अभी कवों की वापसी का टाइम हो चुका है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी,
अभी कवई कवे आएंगे। कैमरे में पता नहीं आ रहा है या नहीं, लेकिन ये कवों का आवाज है। ये देखें ऊपर से आ रहे हैं, उस तरफ दरख्तों पे भी बैठे हैं। इधर मैं खड़ा हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, वरना ये अभी तक आ चुके होते। तरफ देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ये ऐसे ही आके बैठते हैं और फसल को तबाह कर जाते हैं। ये देखें ये ऐसे ही झुंड बना के आते हैं और जिधर बैठते हैं वहाँ से कंदम को खा जाते हैं। ये देखें ये इस तरफ भी आ रहे हैं, और परिंदों का खैर है, लेकिन ये जो कवे होते हैं ना, ये बड़े शातिर दिमाग के होते हैं। इनका पेट भर भी जाता है, फिर भी ये गंदम को ऐसे ही निकाल के फेंकते जाते हैं। तो इस वजह से स्पेशली कवों से गंदम को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब चले गए, इस तरफ मैं खड़ा हूँ ना इसलिए नहीं आ रहा है, उस तरफ भी हैं। उस तरफ से आ रहे हैं, ये ऐसे ही जब जब आते हैं झुंड बना के आते हैं। ये तो खैर बहुत दूर है, इधर हमारे पास नहीं है, उसकी वजह यह है इधर मैं खड़ा हूँ। अगर मैं इधर नहीं होऊंगा तो ये जितने भी ये एकड़ बने हुए हैं, ये जितने भी जरेब जरेब बने हुए हैं, ये जिस जगह पर बैठते हैं वो जरेब भी भर जाता है, क्योंकि ये झुंड के साथ बैठते हैं। तो अभी तक भी आ रहे हैं, ये रुके नहीं, इस तरफ भी हैं। ये अभी टाइम ही ऐसा है, शाम का टाइम, ये घर जा रहे होते हैं तो इधर से गुज़र के जाते हैं, तो फिर फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो देखें किस तरह लाइन से जा रहे हैं, सीधे सीधे लाइन से जा रहे हैं। ये बहुत दूर है, इनका पता नहीं कवे हैं या कोई और परिंदे, लेकिन लाइन ही लाइन से जा रहे हैं। इस तरफ भी हैं और भी उड़ रहे हैं, लेकिन वो दूर हैं, दिखाई नहीं दे रहे कैमरे में। इस तरफ भी हैं वो रहे, कवे ही कवे हैं हर तरफ। ये देखें हर तरफ कवे हैं, चारों ही तरफ कवे ही कवे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।